नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह के बेटे पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। दरअसल कवर्धा में दो पक्षों के बीच लड़ाई से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे शहर में पिछले 5 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर केस दर्ज किया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद फैली हिंसा के दौरान शहर में पूर्व बीजेपी सांसद अभिषेक सिंह और बीजेपी सांसद संतोष पांडे के नेतृत्व में एक बड़ी रैली निकाली गई थी, जिसमें विवादित नारे लगाए गए थे। शुक्रवार को इस रैली का वीडियो वायरल होने के बाद इस विवाद में बीजेपी के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। अभिषेक सिंह के अलावा बीजेपी सांसद संतोष पांडे और पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी समेत बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के 16 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं शहर में कई स्थानों से शीशे और पत्थर की बोरियां सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। पुलिस का दावा है कि यह सभी सामान शहर के घोटिया रोड, एकता चौक, दर्रीपारा में खुले स्थान से बरामद किया गया, लेकिन ये सामान कौन लाया, किसके द्वारा मंगाया गया था, इस मामले में पुलिस को अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं कवर्धा में 5 दिनों के बाद कर्फ्यू के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब तक की सभी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 अक्टूबर से लेकर अब तक सिटी कोतवाली में 7 अलग-अलग FIR दर्ज की गई है। इनमें कुल 93 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 16 लोग एक पक्ष से हैं, जबकि 77 लोग दूसरे पक्ष से। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि पिछले रविवार को कबीरधाम के जिला मुख्यालय के लोहारा नाका चौक पर बिजली के खंभे पर एक झंडा लगाने और फिर उसे उतारने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। इस दौरान जमकर मारपीट हुई थी। झंडा लगाने वाले युवक के साथ भी मारपीट की गई थी। इसके बाद से ही विवाद बढ़ता चला गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।